मिथिला के गांव सोंगल के सैकड़ों ग्रामीणों ने उनके गांव की बेटी सरोज के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिला लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। जिला पुलिस प्रशासन को दिए एक ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सरोज गांव भागल में ब्याही हुई थी। उसका पति सुनील सास धन्नो, ससुर धनीराम और देवर अमन दहेज के लिए उसे तंग करते थे और सभी ने मिलकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। सरोज के भाई कुलदीप ने थाना छिका में मामला दर्ज करवाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस हत्या की साजिश और हत्यारों की मदद करने में एक पुलिसकर्मी सुभाष भी शामिल है, लेकिन पुलिस ने उसका नाम मामले में नहीं दिखाया। ग्रामीणों और मृतिका के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव और पुलिस जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी ने मोटी रिश्वत लेने के कारण अभी तक सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया। ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाने और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। डीएसपी सतीश गौतम ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस मामले में पुलिस जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कैथल से नवीन मल्होत्रा, आजाद टीवी न्यूज। हमने देश का केस नहीं करवाया था, जो लिखित में नहीं है, लेकिन प्रताड़ित किया जा रहा था लड़की को। हाँ, बीच में आते जाते रहे लोग, रिश्तेदार इनके भी आते जाते थे, गाँव के भी एक दो बुजुर्ग आदमी। बच्चा नहीं है जी लड़की में।